जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर अपना वन लाइनर प्रश्नों का महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहें प्रश्न के उत्तर बताने के लिए। और जो भी साथी अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो वो ये सारी प्रक्रियाएँ कर लें, क्योंकि बहुत सारी तैयारी यहाँ पर PGT NET JRF सभी एग्जामों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब कर लेना है ना, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक आपको ज़रूर करना है। और महासंग्राम चालू है आज का, और सभी लोगों को जल्दी जल्दी से प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपको बताना है दोस्तों, गीतांजलि के रचयिता कौन है। गीतांजलि के रचयिता चार विकल्प में से आपको चयन करना है कि गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो कौन है। चलिए, तो फर्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा कि जो गीतांजलि के रचयिता हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब को आपको पता है कि 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कौन सी रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, हिंदी में, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, रविंद्रनाथ जी टैगोर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों, अगला है आपका शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो कौन है। शिव शंभू के चिट्ठे यानी कि आपका 56 का आंसर आपको बताना है, ये किसकी रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। तब 56 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है वो किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है, और आपका जो बाल मुकुंद गुप्त है वो बिल्कुल सही है। अगला, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो है किसने प्रचार प्रसार किया, दक्षिण भारत में बताना है दोस्तों। तो किसने किया हिंदी भाषा के क्षेत्र में? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, श्री राजगोपालाचारी ने जो है दक्षिण भारत में दोस्तों हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। और राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना, श्री राजगोपालाचारी, आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। तो किस पुस्तक में है, ऐसे आप नहीं बताओगे, मैं ही बता देता हूँ कि जो सूर सागर है, कौन सी है? सूर सागर, जो कि किसकी है? सूरदास जी की है। और सूरदास जी की सूर सागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है, है ना। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य रचना, साहित्य लहरी, है ना, ये रचनाएं हैं सूरदास जी की। लेकिन आपको बताना है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। मानवीकरण आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया, प्रकृति का मानवीकरण किया गया, कौन सी, किस काल की कविताओं में किया गया प्रकृति का मानवीकरण? हाँ, वेरी गुड परवेज जी। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त साहब को। और मानवीकरण का अलंकार, जो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया वो नई कविता में किया गया। लेकिन अगर बात करें प्रकृति का मानवीकरण, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया छायावादी कविताओं में। ठीक है, छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण किया गया और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है नई कविताओं में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची क्या है। अनिल, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा, या अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है, इस प्रकार से आपको चयन करके बताना है। है
है ना। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो अनिल है, अनिल ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, हवा का, है ना, हवा का हो जाएगा अनिल। और अनल, अनल जो होता है वो किसका होता है, आग का, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों इसमें अनल और अनिल में, ठीक है। अनिल वायु का है और अनल आग का है, इसको याद रख लेना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें तो, ठीक है। तो अनिल पवन का और अनल आग का, ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता था, बिपाशा, बिपाशा पत्रिका का बताना है इसका प्रकाशन होता था किस प्रदेश से होता है, बिपाशा। और बिपाशा पत्रिका का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूपी, कहाँ से होता है, यूपी से होता है बिपाशा, है ना। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन होता है यूपी से, यूपी आप लगा लेना। नीलकमल में कौन सा समास है दोस्तों, नीला है जो कमल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, हाँ, दिनकर जी को अनल कवि के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, दिनकर जी को अनल कवि के नाम से जाना जाता है, है ना, ओज के कवि कहलाते हैं दिनकर जी। और नीलकमल, नीला है जो कमल, इसका समास जो बताना है तो आपने पढ़े होगा कर्मधारय समास, कौन सा पढ़ा है, कर्मधारय समास हम पढ़ते हैं कि नीला है जो कमल हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है दोस्तों, ये कई बार रचना पूछी गई है, शेष कादंबरी कौन है इसके रचयिता, रचनाकार, शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सराबगी, कौन है, अलका सराबगी, ये रचना याद कर लेना, बहुत बार पूछी गई है, शेष कादंबरी की रचनाकार हैं अलका सराबगी, ठीक है, अलका सराबगी, वेरी गुड। अगला है वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपने पढ़े होंगे वर्ण कौन कौन से पढ़े हैं, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, एक दो तीन चार, इस प्रकार से 25 जो आपके स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े हैं, है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांच वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं और इनमें पांच पांच होते हैं तो कुल मिला के 25 हो जाते हैं, और 25 इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, है ना। और वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो आपने पढ़े हैं कि द्वितीय और चतुर्थ जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण, है ना, महाप्राण कहलाते हैं। और एक तीन पाँच ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, एक तीन पाँच अल्प प्राण और दो और चार महाप्राण, ठीक है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में जो है हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन से हैं, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले, दोहा छंद में हिंदी में ख्याति प्राप्त जो कवि हैं वो कौन है, 65 का आंसर हमें बताना है, ख्याति प्राप्त कवि का नाम बताना है और वो दोहा छंद में जो प्रसारित करने वाले कवि हैं वो कौन से हैं, श्रृंगारी कवि माने जाते हैं बिहारी जी। और जब भी बिहारी की बात आती है तो हम इनका पढ़ लेते हैं कि इनके कवि, इनकी रचना में 713 दोहे और 719 दोहे माने जाते हैं, है ना, बिहारी सस्सई में। और रामचंद्रिका के रामचरितमानस के बाद बिहारी जी की जो बिहारी सस्सई है इसकी टीका सर्वाधिक लिखी गई, है ना। और दोस्तों जो बिहारी जी हैं, बिहारी ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं, और ये कौन सी काव्यधारा के कवि हैं, तो ये सिद्ध रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद करना है, है ना, हिंट दीजिए, बिल्कुल हिंट जरूर देखें, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बताना है कहाँ पर मिलता है, छंद, छंद जल्दी बताओ कहाँ मिलता है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि ऋग्वेद में, कहाँ पर मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, ऋग्वेद में मिल जाता है, ऋग्वेद आप याद कर लेना, ठीक है, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में, कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिल जाता है छंद का। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद, और छंद का प्रयोग भी यही मिलता है। नेक्स्ट आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थाई भाव कौन सा है,
आपने रस पढ़े हैं, कितने रस पढ़े हैं आपने जल्दी बताओ, रस कितने होते हैं ये चीज़ भी आपको बतानी है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं ये चीज़ भी आपको बतानी है ना, और दोस्तों कौन सा रस भरत मुनि ने नहीं माना है ये चीज़ भी आपको बतानी है, और साथ ही एक क्वेश्चन और बता देना कि जो दो रस और नवीन जुड़े हैं वो रस कौन से हैं, है ना। तब आपको पता है कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है रति, रति यानी होता है प्रेम, ठीक है, रति यानी प्रेम, और रसों की टोटल संख्या मानी जाती है कितनी, 9, लेकिन 2 प्लस और कर देते हैं अपन, कौन सा, वात्सल रस को प्लस कर दो और एक भक्ति रस को भी प्लस कर दो तो हो जाते हैं कितने, 11, ठीक है। और भरत मुनि की अगर बात करें कितने रस माने हैं तो 8 रस माने हैं, इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है तो इन्होंने शांत रस नहीं माना है, किसने, भरत मुनि ने, है ना, तो ये तो सभी लोगों को पता है, ठीक है। छल तो संचारी भाव है, छल संचारी भाव है, रोहित कुमार जी, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को बताना है, ये किसकी रचना है कुरुक्षेत्र, ये चीज भी बताना है। हाँ, सतसैया के दोहे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, वेरी गुड। कुरुक्षेत्र को और क्या कहा जाता है दोस्तों, और कुरुक्षेत्र को जो कहा जाता है वो कहा जाता है रणक्षेत्र, रणक्षेत्र, और आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये कुरुक्षेत्र रचना किसकी है जल्दी बताओ, कुरुक्षेत्र, दिनकर जी, बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने बताया कि दिनकर जी बिल्कुल सही है ना, दिनकर जी का है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक बताना है दोस्तों, है ना, और आपको पता है राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है, जो पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है, और राजभाषा की परिभाषा क्या है, राजभाषा की आपकी परिभाषा होती है कि जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है वो आपकी राजभाषा कहलाती है, और भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, कभी भूल में नहीं रहना, भारत की राजभाषा हिंदी है, हिंदी है और अंग्रेजी भी है, ठीक है, अंग्रेजी भी आप भारत की राजभाषा है क्योंकि ये प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक जो भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा का नाम है हिंदी, ठीक है, और 14 सितंबर को हम कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी, ठीक है, ये तो पता ही है, स्थाई भाव आपको पता चल गया। मुख रूपी चंद्र पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चंद्र पर राहु भी धोखा खा गया, अब यहाँ पर अलंकार बताना है आपको, कौन सा अलंकार है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अलंकार अगर आपने पढ़े हैं तो अलंकार को आपको बताना है, है ना, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यानी कि आपका रूपक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक, ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही बताया अधिकांश लोगों ने। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, मुंडा भाषा परिवार, है ना, भाषा परिवार आपने पढ़े हैं, सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, भारोपीय परिवार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारोपीय परिवार है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है ना, और मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर जो है ये मुंडा जनजाति है यहाँ पर, और मुंडा भाषा परिवार इसी से संबंधित है, मुंडा भाषा परिवार, है ना, छोटा नागपुर से संबंधित है, और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों आपका झारखंड में, झारखंड में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है पारसनाथ, क्या नाम है, पारसनाथ नाम है ना, पारसनाथ याद रखेंगे। और अगला बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया, यानी 73 का उत्तर बताना है, मैंने अपन ने अभी पढ़ लिया कि भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, अंग्रेजी भी है, और जो भाषा से संबंधित अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है ना, ये तो सभी को पता है, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में
वर्णित किया गया है। अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है, ठीक है। सभी को पता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो आपको पता है 343, है ना, 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको किया गया। अब एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक भाषा है कोई, वो दूसरी भाषा से क्या ग्रहण करती है, क्या लेती है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या लेती है। एक भाषा, जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्दावली, बोले तत्सम शब्दावली है संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन संस्कृत से जो हिंदी में आके बिगड़ गए हैं, है ना, उन्हें तद्भव, उनके उनसे उत्पन्न हुए, है ना, तत्सम से उत्पन्न हुए उन्हें हम तद्भव बोलते हैं, है ना। और जो देसी होते हैं वो देशज कहलाते हैं, जो विदेशी भाषाओं से आते हैं वो विदेशी कहलाते हैं, है ना, जैसे अरबी फारसी, ये विदेशज हैं, और देसी तत्सम तद्भव। तो एक भाषा जो होती है दूसरी भाषा से क्या लेती है, शब्दावली को लेती है, और शब्दावली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कठिन काव्य के प्रेत हैं यह किस पंक्ति, किस कवि के लिए जो है कहा गया है, कठिन काव्य के प्रेत कहा गया, किसे कहा गया, कठिन काव्य। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कठिन काव्य का प्रेत और एक कठिन गद्य का प्रेत। एक कठिन काव्य का प्रेत आपसे पूछा गया, तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो अधिकांश लोगों ने बता दिया केशव दास को, है ना, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को, और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को, है ना। यहां से परेशान नहीं होना, गद्य का जो है अज्ञेय और काव्य का केशव दास, ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला बताना है जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है, जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्यधाराएं हमने पढ़ा था हिंदी में, भक्तिकाल, है ना, भक्तिकाल जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो भक्तिकाल की जो समय सीमा है 1375 से 1700 मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। और भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण को दो भागों में बांट दिया गया, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा। और सूफी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे, जायसी थे, कौन थे, जायसी थे। और इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रमाणिक ग्रंथ लिखा, है ना, ग्रंथ कौन सा लिखा, जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, है ना। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो वो पद्मावत ही माना जाता है, है ना, प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य है पद्मावत, ठीक है। और मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक व्रत लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी, इस नाटक के लेखक कौन है। दोस्तों आपने पन्ना धाय पढ़ा होगा, और ये राजमुकुट नाटक, पन्ना धाय ने क्या कर दिया था, राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राण बलि बेली पर चढ़ा दिए, है ना, अलौकिक त्याग इन्होंने किया था पन्ना धाय ने। और ये राजमुकुट नामक एक नाटक है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। मेवाड़ की पन्ना, इस पर बहुत सारे नाटक भी बने हैं, हाँ बिल्कुल सही है, 1540 में पद्मावत का रचना काल माना जाता है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, राजमुकुट है गोविंद बल्लभ पंत की, किसकी है, गोविंद बल्लभ पंत की है, जो कि पन्ना धाय के जीवन से समर्पित है, पन्ना धाय के, और गोविंद बल्लभ पंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, है ना। अगला है दोस्तों कंठ ध्वनियां कौन सी है, तो कंठ ध्वनि आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कंठ ध्वनियां पूछी गई और विकल्प आपको नहीं दिए गए, ये तो आपके साथ क्या है, ना इंसाफी है, लेकिन कोई बात नहीं है। जितने भी आपको पंचम वर्ण जो होते हैं, का वर्ण होते हैं, का, है ना, का, खा, गा, घा, इंग्या, है ना, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये कंठ से बोले जाते हैं, है ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है, ये कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, कंठ ध्वनियां, ठीक है।
खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, पुस्तक में बताना है दोस्तों आपको, कौन सी पुस्तक में हुआ खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी 79 का उत्तर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो पुस्तक थी दोस्तों कौन सी, प्रेम सागर। प्रेम सागर थी किसकी, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है, और ये प्रथम पुस्तक थी जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। और खड़ी बोली की जब भी बात आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से जो है उत्पन्न हुई है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है खड़ी बोली, ठीक है। और दोस्तों हमने पढ़ी है कि पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं हैं, कौन कौन सी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना, तो आपकी कन्नौजी बुंदेली ब्रज हरियाणवी और खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी की आती हैं। और प्रेम सागर ये खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, जो कि रचनाकार कौन है, लल्लू लाल जी हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो स्त्रीलिंग का ठंडाई, ठंडाई ये तो ठीक है, ठंडाई प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता कौन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। देखो अलग अलग प्रकार से सभी लोगों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था जब रीतिकाल पढ़ रहे थे, सूफी काव्यधारा पढ़ रहे थे, कि अगर कभी पूछा जाए कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता हैं वो कौन है, ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है क्या लगाना है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो कौन सी है, चंदायन है, चंदायन, ठीक है, चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है, और इसे प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो है रचयिता माने जाते हैं मुल्ला दाऊद, और चंदायन को प्रथम रचना मानी जाती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। साथ ही दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है, आचार्य शुक्ल ने माना है मृगावती को, ठीक है, मृगावती को माना है। मैंने सूफी काव्यधारा की पूरी रचनाएं आपको संसहित क्रमबद्ध याद करवाया है, ट्रिक भी आपको बताई है ना, तो वो जिनने भी नहीं देखा है वो जरूर देखें, सूफी काव्यधारा की पूरी क्रमबद्ध संसहित ट्रिक सहित सब कुछ बताया है। हाँ लोरे के या लोर कथा भी इसे कहा जाता है। बिहारी किस काल के कवि थे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस काल के कवि थे बिहारी, बिहारी जी, तो बिहारी जी इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे, और है ना रीतिकाल के। ध्रुव सोमनी नाटक के रचयिता कौन है, जी हाँ दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, ध्रुव सोमनी नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है, और आपको पता है दोस्तों कि ये जो ध्रुव सोमनी है ये नाटक है और बृहत नाटक है ये, है ना, और राजश्री जो नाटक है वो किसका है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है राजश्री, ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है, सज्जन इनका प्रथम नाटक है ना, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ध्रुव सोमनी ये भी नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी यानी कि आपका उत्तर होगा प्रसाद जी, ठीक है। और प्रसाद जी के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि जोशी जी यानी कि ईला चंद्र जोशी साहब ने इन्हें जोश में आकर छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। हम कई बार पढ़ते हैं दोस्तों कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और इन्हें ईला चंद्र जोशी ने माना है ना। और मुकुटधर पांडे को किसने माना, तो मुकुटधर पांडे को जो माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने। और नंद दुलारे वाजपेयी ने किसे माना दोस्तों, वाजपेयी साहब ने, तो वाजपेयी ने माना पंत जी को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जब छायावाद की बात आती है तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि पंत जी को जो है छायावाद का प्रवर्तक वाजपेयी ने, और छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को ईला चंद्र जोशी, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना, ठीक है। और ध्रुव सोमनी नाटक किसका है, तो प्रसाद जी का है, बिल्कुल प्रसाद जी, कलाधर नाम से जो है इनका उपनाम क्या था, कलाधर, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि है ना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, किसे कहा जाता है, 84 का आंसर, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों,
स्वयंभू, स्वयंभू को माना जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है, याद रख लेना। और एक और पूछा जाता है दोस्तों, क्या मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रामकुमार वर्मा जी ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो किसे माना है, स्वयंभू को ही माना है, ठीक है, स्वयंभू को माना है। और दोस्तों रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया और इन्होंने सर्वप्रथम जो काल माना वो संधि काल माना, संधि काल, फिर उसके बाद इन्होंने चारण काल माना 1000 ईस्वी से चारण काल माना, उसके पहले इन्होंने संधि काल माना, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ये चीज़ भी याद रखना है ना, स्वयंभू को। और कौन सी रचना खड़ी बोली की है, खड़ी बोली की रचना बताना है दोस्तों, तो खड़ी बोली की साकेत, ठीक है, साकेत के बारे में हम हमेशा बताते हैं आपको कि साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, ठीक है। और जब 12 की बात आती है तो हम आलवार भक्तों की संख्या भी पढ़ लेते हैं कितनी है, 12 है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है, और भी 12 का चक्कर है, तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। और साकेत के 12वें सर्ग में कभी कभी पूछा जाता है साकेत के किस सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन का वर्णन है, तो 12वें सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के जो है मिलन का वर्णन है। और साकेत दोस्तों ये किसकी रचना है, तो ये रचना है किसकी, है ना, मैथिली शरण गुप्त की, महाकाव्य है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखेंगे। यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे, यहाँ पर आपको पंक्ति को पूर्ण करना है दोस्तों, इस पंक्ति को पूर्ण करना है कि यदि चादर के बाहर खालिस्तान पसारोगे तो पछताओगे, क्या पसारोगे, हाथ पसारोगे कि पांव पसारोगे। तो आपको पता है कि हम बोलते हैं ना कि अगर चादर के बाहर पैर पसारोगे, पैर, तो क्या हो जाएगा, पैर पसारोगे तो पछताओगे, बिल्कुल सही है। 1931 ही इसका रचना काल माना जाता है, ठीक है, साकेत का। और अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है दोस्तों, अर्धमागधी, अर्धमागधी से बताना है, अर्धमागधी से कौन सी बोली का विकास हुआ, हमने पढ़ा था कि सौर सैनी से आपकी निकली पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, है ना। मागधी से हमने पढ़ा था कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, बिहारी बंगला उड़िया असमिया, ये मागधी से निकली थी, लेकिन अर्धमागधी से निकलने वाली जो थी वो कौन सी थी, कौन सी थी, वो थी दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, अर्धमागधी से बताना है, कौन सी निकली थी, पूर्वी हिंदी, यहाँ पर बंगला ये गलत दिया है, है ना, बंगाली ये गलत दी है, पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी निकली थी, है ना, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से जो निकली वो कौन सी निकली, अबधी बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना, अब छत्तीसगढ़ी, तो अबधी बघेली छत्तीसगढ़ी निकली थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगला आपको बताना है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग, यक्षगान का प्रयोग किसने किया है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किसने किया, यक्षगान नाटकों के मंचन में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपसे पूछा गया है। और यक्षगान का जो प्रयोग किया है हिंदी नाटकों के मंचन में वो किया है दोस्तों किसने, गिरीश कर्नाड ने, गिरीश कर्नाड, है ना, गिरीश कर्नाड साहब ने किया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यक्षगान का प्रयोग हिंदी नाटकों के, यक्षगान, ठीक है, यक्षगान, पश्चिश्वर छोड़ दो। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो कौन सी लिपि से हुआ, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, तो किस लिपि से माना जाता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, तो सभी लोगों को पता है कि ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का, और ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल सही होगा।
एक दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, तो आपको बता देना है 1900, वेरी गुड, ए आती है ना परवेज जी, वेरी गुड, 1973 में हिंदी नई चाल में ढली, ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, तो 1973 में, ठीक है, 1873 है ना, कभी कभी मिस्टेक भी होता है, 1873 नई चाल में ढली 1873 में। और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, पोती पड़ पड़ जग मुआ पंडित भया न कोए, और ढाई आकर, हाँ आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, दिख गया है तब भी ठीक है, कबीरदास जी के बारे में है ना, 1873, वेरी गुड। और ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी की पंक्ति है, और कबीरदास जी आपको पता है निर्गुण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे, प्रथम कवि थे, मतलब ये प्रमुख कवि थे निर्गुण काव्यधारा की, संत काव्यधारा की, ठीक है, संत थे, संत कबीरदास जी। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, कोंकणी बोली जाती है दोस्तों गोवा में, है ना, गोवा इस प्रकार से आपने देखा होगा, ऐसे हम देखते हैं यहाँ कहीं गोवा है, थोड़ा सा इतना सा है गोवा, और यहाँ पर कोंकणी बोली जाती है, कोंकणी। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है, अवधी भाषा, अवधी और अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो कौन सा है, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस बताना है। और दोस्तों रामचरितमानस में सात कांड, अब सात कांड आप लोग क्रमबद्ध लिखेंगे, जल्दी से कमेंट में लिखो कौन लिख पाता है फटाक से, सात कांड हैं रामचरितमानस में, है ना, महाकाव्य है, अवधी भाषा का महाकाव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है, और आपको सात इसमें जो कांड हैं वो क्रमबद्ध बताएंगे, सभी लोग लिख के बताओ क्रमबद्ध, जल्दी बताओ, सबसे पहले बालक है ना, बालक राम का जन्म हुआ अयोध्या में, तो बालकांड है ना, फिर कहाँ हुआ, अयोध्या में, हाँ 1574 रचना काल माना जाता है, लेकिन जल्दी से लिखो बालकांड, बाक सालू बोल दिया, अपने ओपीजी ने ट्रिक भी बता दी है, बाक सालू, बासे बालकांड, आसे अयोध्या कांड, और कासे किसकिंदा कांड, है ना, सासे क्या हो जाएगा, सुंदर कांड, और बताओ आगे, और कौन सा है, हाँ अरण्य कांड, और फिर लंका कांड, तो वेरी गुड, पढ़ना है सभी लोगों को, है ना, जी लिखा है अपने खुशी शर्मा, बाल अयोध्या अरण्य किसकिंदा सुंदर लंका, वेरी गुड, है ना, सबसे पहले बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसकिंदा सुंदर और लंका कांड, है ना, तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, कंचन वर्मा जी, हेमंत जी, ये पूछे जाते हैं क्रमबद्ध, तो ऋचा पांडे जी, मंजू बाला जी, ये पूछे जाते हैं क्रमबद्ध, इनको याद रखना है, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, संज्ञा के भेद बताना है, दीप जी, प्रकाश, सरोज शर्मा जी, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसकिंदा सुंदर लंका, उत्तर, हाँ वेरी गुड, उत्तरकांड, तो पिंकी जी, वेरी गुड, राकेश जी, राकेश किशन जी, खुशी जी, सभी लोगों ने प्रयास किया है,
है ना किशन जी, एक कांड पूछे जाते हैं ना, तो कांड पूछे जाते हैं, कांड को याद रख लेंगे। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो पांच भेद होते हैं ना, पांच पांच याद रखेंगे, पांच भेद होते संज्ञा के, है ना। वैसे जो मूल रूप से माने जाते वो तीन है ना, लेकिन होते कितने हैं, पांच भेद होते हैं अलग अलग प्रकार से। तो यहां पर तीन दिया है ना, लेकिन कितने होते हैं, पांच होते हैं। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो सदाचार को प्रेरित करने वाली दशा कहलाती है सील दशा। कौन सी दशा कहलाती है, सील दशा कहलाती है। राधा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने लिख दिया है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हाँ, तीन भी होते हैं, पांच भी होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में अपन ने बहुत सारा अध्ययन भी किया है, बहुत सारी बातें भी हुई हैं। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। कल से कुछ अलग टाइप के प्रश्न लेकर के आएंगे अपन शुरुआत से, है ना। 1000 प्रश्नों का संकलन है, 1000 प्रश्नों के वो लेकर के आएंगे, उसमें से पढ़ेंगे, है ना, अध्ययन कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। और खुशी शर्मा जी, दारसु, गीतिका जी, सबिता जी, सीमा कुमारी जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग को वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और सुबह वाला वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, दारसु शर्मा, परवेज जी, है ना, सुबह वाला, लालदास जी, प्रजापति, बहुत सारे लोग सुबह वाला वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। क्या बात है, टाइम नहीं मिल पा रहा क्या। अंकुर पनवर जी, रवि कुमार जी, मनीषा जी, कंचन वर्मा जी, तो सुबह वाला वीडियो जरूर देखें। सुबह वाला जो ट्रिकी वीडियो आता है, बहुत सारी ट्रिकी वीडियो निकल करके आती हैं, है ना, उनको जरूर देखना है, ठीक है। और वो वीडियो आप सभी को पढ़ना है। 8 बजे अपनी यथावत हिंदी की क्लास लग रही है, व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण भी स्टार्ट करने वाले हैं अपन शुरुआत से, है ना, वर्णमाला से पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला में बिल्कुल सब कुछ पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओपी जी ने आपको एक मोटिवेशनल पंक्ति दी है कि परंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। बहुत ही बढ़िया। सरोज शर्मा जी, रात्रि 8 बजे हिंदी की क्लास होती है अपनी, है ना। मनीषा जी, गीतिका, किशन जी, तो रात्रि 8 बजे वाली क्लास को देखें। ओपी जी, संतराम जी राणा, अंकुर पनवर जी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को दोस्तों शुभ रात्रि और सभी को धन्यवाद, है ना। अभी एक क्लास और हमें स्टार्ट करनी है 11 बजे से, जीके, एमपी जेल प्रहरी, जीके के लिए स्टार्ट करनी है। किशन सिंह जी, है ना, गीतिका, पुष्पेंद्र जी, सविता शुक्ला जी, एक और 11 बजे से स्टार्ट होने वाली है आज से क्लास जीके, है ना। जीके को वहां पर पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल निकिता जी अपन शुरू करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं ना, अभी टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट। रवि कुमार जी, वेरी गुड। शिव कुमार जी हैं, लालदास जी हैं, कांता जी, शुभम जी हैं, बहुत बढ़िया। परवेज जी, फोन खराब हो गया कुरैशी साहब का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबिता शुक्ला, यस जी, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, बहुत बढ़िया। आप अपना कार्य उस समय करें जब दूसरे व्यक्ति अपना समय नष्ट करने में लगे हों। ओके सर, दारसु जी, किशन जी, खुशी जी, रीनू शर्मा जी, सभी को धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। दोस्तों बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। शुभरात्रि, जय हिंद।